अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं जावेद नासिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना डिश इन्फो इज़ व्लॉग्स। उम्मीद है दोस्तों सब लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक सब को खैरियत आफियत से रखे, आमीन। दोस्तों काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि पाक सेट 38 के यू बैंड सेलेक्ट की सेटिंग करके दिखाएँ। तो दोस्तों ये मेरी 2 फिट की डिश है, ये तुर्क सेट पर लगी हुई है, एल एन बी की पोजीशन आप देख लें, ये तुर्क सेट 42 इंच पे लगी हुई है। पाक सेट के यू बैंड स्लाइड जो है इसके साथ ही बिल्कुल थोड़ा सा आधा इंच डिश को मूव करेंगे तो ये रिसीव हो जाएगी। काफ़ी वीडियो अपलोड यूट्यूब पे हुई हुई हैं कि पाक सेट के यू बैंड पे डीटीएच ऑन हो गया है, काफ़ी सारे चैनल इस पर चल रहे हैं। तो दोस्तों चेक करते हैं कि वाकई ये चैनल चल रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नए आने वाले दोस्त कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों ये आप डिश की सेटिंग देख लें, ये एल एन बी की पोजीशन है, जो के यू बैंड की स्लाइट है पाक सेट उसकी पोजीशन एल एन बी की सेम रहेगी तुर्क सेट की तरह। आपको मैं बैक से भी डिश सेट चेक करा देता हूँ। ये देखिए मैंने ये राड फुल खोला हुआ है, 2 फिट डिश का फुल राड खोला हुआ है, तुर्क सेट हमें यहाँ पे रिसीव हो रही है। दोस्तों ये मैंने निशान लगाए हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये तुर्क सेट का निशान है और ये पाक सेट का के यू बैंड का निशान है। ये तकरीबन आधा इंच आपको डिश राइट साइड पर मूव करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी है पाक सेट के यू बैंड की 11175 वर्टिकल 2000, 11175 वर्टिकल 2000 अपने रिसीवर में ये आप फ्रिक्वेंसी ऐड करें और डिश को आधा इंच राइट साइड पे मूव करें तुर्क साइड से। तो ये आपके सामने मैं डिश को राइट साइड पे मूव करता हूँ और डिश को तकरीबन आधा इंच आगे से डाउन करूंगा, पीछे से उठाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपके सामने डिश को तकरीबन आधा इंच उठाऊंगा, ये प्लास है मैं इसके नीचे रखूंगा, आपको टोन की आवाज़ आ रही होगी, साथ सिग्नल भी शो हो रहे होंगे। 11175 वर्टिकल 2000, ये देखें दोस्तों यहाँ पे इसके सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। मैंने इतना डिश को उठाया, यहाँ मैं प्लास सेट करके आपको चेक कराता हूँ मुकम्मल, ये के यू बैंड सेटेलाइट पाक सेट के सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। तो दोस्तों ये देखे मैंने यहाँ पे डिश सेट कर दी है, ये मैंने नीचे प्लास रखा है, आपको सिग्नल शो हो रहे हैं कि 91% इसके सिग्नल शो हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं मुझे। तो दोस्तों ये सेटेलाइट जो है पाक सेट के यू बैंड, ये तुर्क सेट से सिर्फ आधा इंच आपको डिश मूव करनी पड़ेगी। तो दोस्तों चलो चलते हैं टीवी की स्क्रीन पर और देखते हैं कि इस पे हमें कुछ चैनल रिसीव होते हैं या नहीं। दोस्तों हम लोग टीवी की स्क्रीन पे आ गए हैं और मैंने वक्त बचाने के लिए सर्चिंग इसकी कर ली है। टोटल दोस्तों इसके हमें जो है ना 10 चैनल रिसीव हुए हैं पाक सेट के यू बैंड के, और इसमें भी कुछ चैनल मेरे ख्याल में 36 इसके भी आ गए हैं। तो दोस्तों ये जो है ना आपके सामने चैनल 1 नहीं चल रहा, चैनल 2 हम फिलिक्स लिंक लाहौर ये भी नहीं चल रहा, ये फीड के चैनल हैं, ये कभी चलने लग जाते कभी नहीं। इस सेटेलाइट पे कोई मेरे ख्याल में ख़ास चैनल नहीं है, ये एक चैनल आया है बंगाली ज़बान में, पता नहीं इस सेटेलाइट का है या किसी और सेटेलाइट का उठा लिया इसने, ये तारा टीवी, ये टेस्ट 1, ये फिल्मी बंगला ये चल रहा है, और ये भी बांग्लादेश का फ्लैंगनिंग टीवी है, और ये वतन चल रहा है, वतन एचडी इस पे चल रहा है, ये आपके सामने वतन एचडी की फ्रिक्वेंसी है दोस्तों 11630 ओरिजिनल 10500, और झूमर टीवी चल रहा है, ये देखें इसकी भी फ्रिक्वेंसी वही है 11630 ओरिजिनल 10500। तो दोस्तों इस पे कोई ख़ास चैनल नहीं है, जो वीडियो बना रहे हैं वो फेक हैं,
तो अगर आप लगाना चाहते हैं वतन टीवी के लिए दो फिट का डिश आपके पास है तो आप इस तरह लगा लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक कर लें। अल्लाह हाफिज़।